तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी, 46 नगर निकायों के लिए वोटिंग लगातार जारी है। 18 नगर परिषद 28 नगर पालिका में चुनाव मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 22 जून को आएंगे निकाय चुनाव के नतीजे। कुल अध्यक्ष पद के लिए 405 उम्मीदवार, पार्षद पद के लिए 3093 उम्मीदवार, अध्यक्ष पद के लिए 177 महिलाएं उम्मीदवार। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी, 46 नगर निकायों के लिए हो रही वोटिंग, 18 नगर परिषद 28 नगर पालिका में चुनाव मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग, 22 जून को आएंगे निकाय चुनाव के नतीजे। अठारह नगर परिषदों में 456 वार्ड हैं, 54 वार्ड एससी के लिए रिजर्व, नगर पालिका में 432 वार्ड। बीजेपी 14 नगर परिषदों पर लड़ रही है चुनाव, जेजेपी 4 नगर परिषदों पर लड़ रही है चुनाव, बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। इनेलो 15 नगर परिषदों पर लड़ रही है चुनाव, आप सभी नगर परिषदों पर चुनाव लड़ रही है। निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी, 46 निकायों के लिए हो रही वोटिंग, 18 नगर परिषद 28 नगर पालिका में चुनाव मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। बाईस जून को आएंगे निकाय चुनाव के नतीजे। नगर पालिका में अध्यक्ष पद पर 220 उम्मीदवार, नगर पालिका में पार्षद पद पर 1301 उम्मीदवार, इसी के साथ नगर परिषद में पार्षद पद पर 1792 उम्मीदवार, नगर परिषद में अध्यक्ष पद पर 185 उम्मीदवार, अध्यक्ष पद के लिए 177 महिलाएं उम्मीदवार। जारी है 46 नगर निकायों के लिए हो रही है वोटिंग। निकाय चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है, 46 नगर निकायों के लिए हो रही है वोटिंग, 18 नगर परिषद 28 नगर पालिका में चुनाव मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। निकाय चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी, 46 नगर निकायों के लिए हो रही है वोटिंग।
तो निकाय चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। 46 नगर निकायों के लिए वोटिंग हो रही है। इसी के साथ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पल पल के अपडेट्स हर खबर आप तक पहुंचाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप कुंडू हिसार से हमारे साथ जुड़ गए और इसी के साथ लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं सोनीपत से। सबसे पहले अनूप, मैं आपके पास आऊंगी। निकाय चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? सुरक्षा की बात की जाए तो प्रकार से आज निकाय चुनाव है और उसको लेकर के मतदान की आज तिथि है। मतदान को लेकर के भारी उत्साह मतदाताओं में देखा जा रहा है। सुबह 7 बजे से ही मतदाता लंबी लंबी लाइनों में आकर के मतदान करने के लिए लाइनें लगा चुके हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस वाले रास्ते हैं, उन पर भी नाकाबंदी की गई है। इसके साथ साथ पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी थी और सबसे पहले सुबह जो है मॉक ड्रिल करवाया गया। एजेंट जो बैठे थे उनको बताया गया कि किस प्रकार से जो ईवीएम है वो काम करेगी। मॉक ड्रिल के बाद 7 बजे मतदान की जो प्रक्रिया शुरू कर दी गई, उसके साथ अभी तक किसी भी प्रकार की कोई ईवीएम वगैरह खराब होने की कोई सूचना नहीं है। 1 घंटे के करीब का समय हो चुका है और बड़ा भारी उत्साह लोगों में है यहाँ मतदान करने के लिए। लंबी लंबी लाइनें, यहाँ तक कि महिलाएं भी कम नहीं है। महिलाएं भी अपना काम काज छोड़ करके आज मतदान करने के लिए लाइनों में दिखाई दे रही है और सभी में उत्साह है। लोग अपना आज का जो मतदान है वो मुद्दों को लेकर के कर रहे हैं। किसी का पानी सीवरेज का मुद्दा है, किसी का बिजली का मुद्दा है, तो उनको लेकर के आज चुनाव किया जा रहा है। बरवाला की मैं बात करूं तो बरवाला में 11 चेयरमैन प्रत्याशी मैदान में है जिनका आज शाम 6 बजे तक मतदान होगा और ईवीएम में उनका जो है उनकी किस्मत कैद हो जाएगी कि चेयरमैनी का काज किसके सर पर सजेगा। जी बिल्कुल अनुप, मैं आपके पास सफर से आऊंगी। उससे पहले राजपथ का लुक कर लेते हैं। राजपथ में आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से निकाय चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है, ऐसे में लोगों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? ओहाना और कन्नौर और राय और तीनों जगह पर लोगों में खुशी दिखाई दे रही है क्योंकि पहली बार कुंडली का क्षेत्र है दिल्ली एनसीआर के नजदीक और पहली बार जो चुनाव हो रहा है और इस चुनाव को लेकर काफी गहमा गहमी दिखाई दे रही है। और जो यहाँ पर बूथ बनाए गए हैं और दोनों बूथों पर लगातार सुबह से ही कुंडली में लंबी लाइन लग चुकी है। लोगों के अंदर एक खुशी दिखाई दे रही है। महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है क्योंकि लोगों को पता है कि जो क्षेत्रवाद है और जो काफी यहाँ पर समस्याएं हैं जैसे बिजली की, पानी की, गलियों की, अनेक तरह की समस्याएं हैं जिससे लोग जूझ रहे हैं। और यहाँ पर अब बात करें तो दिल्ली एनसीआर के नजदीक और हरियाणा का सबसे पहला गांव, तो कहीं ना कहीं जो है अब जो चेयर के उम्मीदवार हैं तो उनकी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है लगातार खुशी दिखाई दे रही है। अनेक तरह के लोगों को यहाँ पर वोट डालने का मौका मिल रहा है। जी बिल्कुल अनूप, मैं आपके पास आऊंगी। अगर हम बात करते हैं हिसार की, तो इस समय आप पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, लोगों से बातचीत करिए, तस्वीरें दर्शकों को हमारे दिखाने का प्रयास करिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ बड़ी जागरूक मतदाता है यहाँ पर सुमन, हम उनसे बात कर ले। सुमन, आप मतदान करने के लिए आई है? जी हाँ। आप किन मुद्दों को लेकर के मतदान कर रही हैं? जी आज हम चेयरमैन बनेगा तो उनसे उम्मीद है कि वो चेयरमैन बनने के बाद हमारे सरकारी पूरे जो सिविल की व्यवस्था उनको सफल करेंगे। गांव में जो शहर की गलियों गलियों में और मेन रोड पर जो पानी इकट्ठा होता है बारिश को, उसका समाधान करेंगे। इनसे इन मुद्दों को लेकर हमसे इनसे बड़ी उम्मीद है कि हमारे सेवन बनने के बाद हमारे सारे कार्यों को सफल करेंगे। सुमन, सुबह से आप लाइन में खड़े हैं काम काज छोड़ करके, कितना उत्साह है मतदान को लेकर? हमें उत्साह की हमारा जो चेयरमैन हमें बनाना है उनको भारी मतों से विजयी बनाए और वो चेयरमैन बनके हमारे कार्यों को पूरा करें। आज के दिन किस प्रकार की समस्या है आपके शहर में? सबसे मेन समस्या है जो सीवरेज की है और रोड पर बारिश का पानी इकट्ठा होता है, उसकी समस्या है। उसको लेकर हमें उम्मीद है कि वो चेयरमैन बनेगा जो हमारे कार्य पूरे करेगा। एक समय होता था जब पुरुष ज्यादा मतदान करते थे लेकिन आज महिलाएं भी पुरुषों से पीछे नहीं है मतदान करने में। जी हाँ जी, पहले को ज्यादा वो थी, अब लेडीज भी उनसे पीछे नहीं है। लेडीज भी बहुत लंबी कतार लगी हुई है लेडीज जो मतदान करने के लिए आई है। जी हम देख रहे हैं कि यहाँ पुरुषों से बड़ी लाइन जो है मतदाताओं में महिलाओं की, आज बहुत उत्साह है महिलाओं में। हाँ, महिलाओं में उत्साह है कि जो हमें चेयरमैन बनाने जा रहे हैं वो बहुत बहुत भारी वोटों के विजय बने और हमारे कार्यों को पूरा करें। गरीब लोगों की जो जरूरतमंद है उनके कार्य उनको ही मदद की जाए जो गरीब लोग हैं। जी देखिए, हमारे साथ बहुत जागरूक मतदाता हैं सुमन जो जुड़ी हैं और इन्होंने बताया कि बड़े मुद्दे हैं बरवाला में, से सीवरेज के हों, पानी के हों, बिजली के हों। और आज जो ये मतदान करने के लिए पहुंची है, इनका है कि जो भी प्रत्याशी को ये मतदान करे और वो विजयी हो
तो इनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक बरवाला में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, चाहे वो पानी निकासी की हो, सीवरेज की हो, रोड ऊंचे उठ चुके हैं। तो उन तमाम मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए आज मतदाता अपना मतदान करेंगे और 22 तारीख को परिणाम आएगा और देखना होगा कि किसकी सिर पर बरवाला की जो चेयरमैन है उसका साथ चलता है, कौन से मतदाता आज अपना मतदान करके और मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए आगे का अपना चेयरमैन चुनेंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने अनूप, यहाँ पर सभी वोटर्स को उम्मीद होती है कि जो भी उनकी परेशानियां हैं वो यहाँ पर दूर खींचवाएं और जो भी जीत करके आए, जिस पर भी भरोसा यहाँ पर जनता ने जताया है उस भरोसे पर वो खरा उतरे। लाजपत में आपके पास आऊंगी, अगर हम बात करते हैं सोनीपत की तो कौन कौन से अति संवेदनशील बूथ हैं, कितने संवेदनशील बूथ हैं और क्या कुछ वहां पर स्थिति अभी देखने को मिल रही है? सोनीपत एक ऐसा शहर है जहाँ पर जो वोटिंग की बात करें तो बिल्कुल शांति से वोटिंग चल रही है और कोई भी यहाँ पर ऐसा माहौल दिखाई नहीं दे रहा है कि जिससे कि संवेदनशील जो है बूथ है। लगातार मैं आपको तस्वीरें, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि यहाँ पर जो है लोगों की यहाँ पर लगातार खुशी दिखाई दे रही है। और कुंडली एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर दिल्ली NCR का सबसे पहला गाँव पड़ता है और यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं विकास की जो मांग है और विकास लेकर काफी लंबे समय से यहाँ पर लोग जो जूझ रहे थे, आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा कि लंबे दौर से यहाँ पर लोगों के अंदर का कहीं ना कहीं जो है ये वोटिंग का पहला मौका मिला है और इसे को नगर पालिका का जो चुनाव है वो पहली बार हो रहा है और इस बात को लेकर पुलिस प्रशासन भी पैनी नजर रखे हुए है, हर व्यक्ति पर पैनी नजर है। और लगातार प्रशासन की बात करें तो प्रशासन यहाँ पर हर व्यक्ति पर नजर रख रहा है और पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि शांति से जो है वो वोट हो और शांति से ही किसी चीज को जीता जा सकता है। ये चुनाव का जो नजदीक जो है कुंडली क्षेत्र का जो सबसे पहला बूथ है वहां की तस्वीरें हैं और आम नागरिक यहां पर कहीं ना कहीं अपनी वोट मांगने पर लगातार लगा हुआ है। और लगातार आपको बता दें कि यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात यह है कि मजदूर और मजबूर है जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो पॉल्यूशन जो लोग रहते हैं वो अनेक राज्य के रहते हैं और यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात ये भी है कि यहाँ की जो विकास की गति है वो पूरे भारत में दिखेगी क्योंकि पूरे भारत के लोग यहाँ पर बसते हैं। अनेक तरह के यहाँ पर मुद्दे हैं, बिजली के हैं, पानी के हैं, गलियों के हैं, अनेक तरह के मुद्दों पर लोग यहाँ पर वोट कर रहे हैं, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि किसकी किस्मत चमकेगी क्योंकि वोट सबका अधिकार है और सबका अधिकार यहाँ पर अपना मत जो है वो डाल कर प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो उम्मीदवार है वो जीत कर सामने आए और हमारी विकास की जो गति है वो कहीं ना कहीं आगे जाए। क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली NCR के नजदीक कुंडली और UP तीनों स्टेट यहाँ पर लगती है, तीनों स्टेटों पर जो है पुलिस प्रशासन की बात करें तो पैनी नजर है, प्रशासन ने चारों तरफ अपनी बलाटी लगाई हुई है, पुलिस की पैनी नजर है, खुफिया विभाग की पैनी नजर है, चारों तरफ जो है पुलिस प्रशासन पैनी नजर बनाए हुए है ताकि शांति से जो है चुनाव को करवाया जाए। क्योंकि दिल्ली NCR के नजदीक और यूपी के नजदीक होना अपने आप में एक सवाली निशान खड़ा करता है। जी बिल्कुल अनूप, मैं आपका रुख करूंगी, लगातार हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं वोटिंग शुरू हो चुकी है, ऐसे में यहाँ पर जो मतदाता हैं वो भी काफी जागरूक नजर आ रहे हैं और इस बार जो मुद्दे हैं वो विकास को लेकर के हैं कि यहाँ पर बदलाव जरूर हो, क्योंकि हमेशा वादे किए जाते हैं लेकिन धरातल पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। इस बार जनता बेहद जागरूक लग रही है और साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो भी समस्याएं हैं जिस भी प्रतिनिधि को चुनकर के जनता लाएगी वो प्रतिनिधि इनकी समस्याओं को दूर करेगा। और भी लोग आपके साथ हैं, उनसे भी बातचीत करिए और जानने का प्रयास करिए कि आखिरकार वो वोट किन किन मुद्दों को सोच करके कर रहे हैं और क्या कुछ उन्हें उम्मीदें हैं अपने प्रतिनिधि से। हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से हमारे सहयोगी सोनीपत से लाजपत भी बता रहे थे और हमारे साथ बहुत सारे साथी हैं भी, सर किन मुद्दों को लेकर मतदान कर रहे हैं, मुद्दे क्या है शहर की समस्याएं? मुझे समस्या सारी ठीक हो रही है, ठीक हो रही है। तो हाल फिलहाल आप जो मतदान कर रहे हैं कोई तो मुद्दे रहे होंगे आज के दिन आपके, बिजली पानी सीवरेज क्या मुख्य है? अच्छा लग रहे हैं हमारे साथ, और सर क्या मुद्दे हैं? हमारा पानी पानी निकासी का मुद्दा है, निकासी का मुद्दा हो जाए बढ़िया, हम तो बरवाला वासी बढ़िया हो जाएगा जी। तो किस तरह के मुद्दे रहे? ये पानी की निकासी का सबसे बड़ा मुद्दा, ये मुद्दा पानी की निकासी। और मतदान को लेके कितना उत्साह है? मतदान बहुत बढ़िया, तो अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत बढ़िया लग रहा। क्या अपील करेंगे लोगों से मतदान को लेकर? मतदान तो बहुत बढ़िया, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा जी। देखिए बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील लोगों से की जा रही है और शांतिपूर्ण मतदान यहाँ पर चला हुआ है। और बरवाला की मैं फिर से वही बात दोहराना चाहूंगा कि यहाँ पर जो विशेषतर मुद्दा है वो पानी निकासी का है, सीवरेज का है, और ये अहम मुद्दा अभी नहीं पिछले कई लंबे समय से जो है लंबित पड़ा हुआ है,
इस करके आज जो मतदाता है वो अपने जहन में एक बात लगाए हुए है कि इस बार जो मतदान करने वाला है वो इस बात को ध्यान में रखते हुए करेगा कि जो प्रत्याशी जीते वो इनकी समस्याओं का समाधान करे और फिर से अगले चुनाव तक इन्हें वही मुद्दे इनके सामने ना डटे रहें और आने वाला समय इनके लिए बहुत अच्छा हो। इस प्रकार के आज मतदान की लाइन में खड़े मतदाताओं का विचार है और लंबी लाइनें यहाँ पर चाहे बुजुर्ग हो चाहे व्हील चेयर पर कुछ विकलांग मतदाताओं को भी लाया जा रहा है तो बड़े बुजुर्ग है उनको भी सहारा देकर के मतदान तक ले जाया जा रहा है। तो तमाम जो मतदाता है उनकी यही अभी कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो मतदान करवा करके 100% मतदान करने की कोशिश करें, लेकिन शाम 6 बजे तक का ये समय है और देखने वाली बात है कि कितने प्रतिशत मतदान बरवाला में हो पाता है। बिल्कुल अनूप, अगर बात खिंचवा यहाँ पर लोगों की तो लोगों से भी आप बातचीत करिए और उनसे भी जानने का प्रयास करिए कि आखिरकार क्या कुछ सोच कर वो इस बार वोटिंग कर रहे हैं, क्योंकि जनता की राय बेहद जरूरी होती है। देखिए बिल्कुल, मतदाता सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मतदान हर खबर हरियाणा सुबह से और पहले से लगातार अपील कर रहा है कि मतदान किया जाए, 100% मतदान हो। और आज मतदाताओं ने जो सुबह से लाइन लगा करके जो उत्साह दिखाया है उससे ये बात सामने भी आ रही है कि मतदाताओं अपना जो मत का प्रयोग है वो बिल्कुल सही करना चाहता है और समय पर करना चाहता है। पुलिस प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो बड़ा मुस्तैद है, यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से चलाई जा रही है और हालांकि अभी तक किसी प्रकार की कोई ईवीएम की भी कोई दिक्कत नहीं आई। नहीं, बहुत बार ऐसा होता था कि सुबह के समय में मॉक ड्रिल के बाद ईवीएम खराब होने की सूचनाएं प्राप्त हो जाती थी, तो ऐसी भी कोई सूचना नहीं है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख रहे हैं कि कितनी बड़ा हुजूम यहाँ पर मतदाताओं का उमड़ा है और ये तो सिर्फ एक बूथ है, इस प्रकार के 36 बूथ पूरे बरवाला में बनाए गए हैं। इस वक्त जो हमें नगर पालिका बरवाला का जो चुनाव चल रहा है उसी के कार्यालय में यहाँ पर 2 बूथ बनाए गए हैं, पूर्व और पश्चिम के दोनों बूथों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। जो युवा मतदाता हो, महिला मतदाता हो, बुजुर्ग मतदाता हो, तमाम मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल अनूप, लोगों से भी बातचीत करिए और उनसे भी प्रयास करिए जानने का कि वो किन किन मुद्दों को सोच करके यहाँ पर वोटिंग कर रहे हैं। काफी भीड़ देखने को मिल रही है आपके पीछे। बिल्कुल, हमारे साथ एक बड़े बुजुर्ग हैं। सर बताइए, आप लंबे समय से मतदान करते आ रहे हैं, किस प्रकार के मुद्दे आज आपके बरवाला में? पानी निकासी का बड़ा मुद्दा है आप लोगों का, तो कितने साल से ये मुद्दा? 20 साल के निर्णय हो गए होंगे जी, 20 साल के लगभग हो गए। तो हर बार मतदान किया जाता है, यही समस्या रहती है, समस्या ये रहती है, लेकिन करवाते दुनिया कोई भी नहीं करवाते। तो इस बार उम्मीद है कुछ? इस बार उम्मीद तो लगाई तो बैठे हैं, देखो क्या होगा जी। आपको लगता है कि इस बार जो चेयरमैन बनेगा उस समस्या का समाधान करवा करेगा? बिल्कुल, देखिए मतदाताओं का विश्वास है क्योंकि वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं तो वो विकास के लिए कर रहे हैं, मुद्दों को जहन में रख के कर रहे हैं और इनका ये विश्वास टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि मतदाता जिन समस्याओं के समाधान के लिए आज अपने मत का प्रयोग करने वाला है तो उस पर विश्वास जताएगा और विश्वास पर खरा भी उतरना चाहिए। जो मुद्दे अभी 20 साल से पेंडिंग पड़े हैं, इसमें पता नहीं कितने बार चेयरमैन बने होंगे और ऐसा ना हो कि फिर से इसी प्रकार की सगा हुआ अपने आप को ये महसूस करे, उससे अच्छा है कि जो चेयरमैन बने लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे और लगे कि जो उन्होंने मतदान किया उसका सही से प्रयोग हुआ है। बिल्कुल, लाजपत मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि आपके भी पीछे काफी भीड़ देखने को मिल रही है और वोटिंग यहाँ पर लोग करने के लिए वोट आ रहे हैं और काफी लोग जागरूक भी नजर आ रहे हैं और सभी जो वोटर्स हैं वो अपने प्रतिनिधि से, आने वाला जो प्रतिनिधि है उससे यही उम्मीद करते हैं कि वो जो वादे करे उन वादों को धरातल पर उतारे और विकास यहाँ पर किया जाए। तो आप भी लोगों से बातचीत करिए और उनसे जानिए कि कौन कौन से आखिरकार मुद्दे हैं जिन मुद्दों को सोच करके वो वोटिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, युवा हैं और युवा कहीं ना कहीं देश की रीढ़ की हड्डी है और लगातार विकास की मांग करते हैं। हमारे साथ मौजूद व्यक्ति है यही से है, कुंडली क्षेत्र से है, पढ़े लिखे युवा है। अब जो है आपका छू क्षेत्र है, आपका गांव है जो दिल्ली एनसीआर के नजदीक है, यूपी के बिल्कुल नजदीक है, विकास की काफी डिमांड है, काफी मांग है। आपने भी पहले 1-2 वोट की है, अब तीसरी वोट है, लेकिन नगर पालिका की सबसे पहली वोट है। आप किस तरीके के राजनीतिक माहौल देख रहे हैं गांव का, क्योंकि विकास की सबसे बड़ी बात है, विकास चाहिए तो कहीं ना कहीं राजनीतिक व्यक्ति मजबूत चाहिए, साफ सफाई का चाहिए, या कैसा राजनीतिक व्यक्ति आपके गांव से निकल कर आ सकता है? देखिए जी, पहली बात तो कुंडली में जो
इलेक्शन चल रहा है उसमें चेयरमैन पद रिजर्व है, उसमें युवा भी हैं, मिडिल एज वाले भी हैं, लेकिन जो देखो हम वोट डालने जाते हैं जब मशीन का बटन दबाते हैं, हम तो ये देखते हैं भाई कौन आदमी साफ छवि का है। भाई बहुत माहौल खराब है आजकल, एक साफ छवि देखते हैं। और देखो सबकी अब अपनी पसंद है, विकास के नाम पे वोट डालनी चाहिए, वोट कोई भी कहीं भी डालो लेकिन विकास के नाम पे डालो, अच्छे आदमी को डालो, जो भी आदमी अच्छा हो आपको लगे ये विकास कर सकता है उसकी वोट डालो आप। हमारे साथ बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उन्होंने काफी वोट की है और राजनीतिक वो माहौल देखते हैं और गांव का विकास कहीं ना कहीं किस तरीके का चाहिए, किस तरीके की राजनीति गांव में चल रही है, क्या कुछ विकास हो सकता है क्योंकि पहली बार नगर पालिका का चुनाव है, और किस तरीके का कैंडिडेट चाहिए क्योंकि जो विकास की गति है वो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से पूरे भारत को दिखाई दे। हमारे गाँव में आज बड़ा उत्साह का माहौल है क्योंकि नगर पालिका पहली बार वोट कर रहे हैं लोग, और ऐसे आदमी को चुनना चाहते हैं वो साफ छवि का हो, विकास करने वाला युवा हो, और गांव की पॉपुलेशन पहले पंचायतें होती थी तो ठीक होता था काम, अब पॉपुलेशन इतनी हो गई थी कि पंचायत विकास कार्य नहीं कर पाई और गांव में जो है बहुत बड़ी दिक्कत है विकास कार्य की, गलियों में पानी है, धोड़ भरे हुए हैं, ऐसे आदमी को चुनना चाहते हैं तो भी जोड़ों का वो करे नवीनीकरण के चौपाल, सार्वजनिक जगह, पंचायत घर, अब ये रोड अच्छे बनेंगे गांव में, टाइलिंग वाली रोड बनेगी और गांव चकाचौंध हो जाएगा, उम्मीद ये रखते हैं कि नगर पालिका से अच्छा विकास होगा, देश उन्नति करेगा, देश हमारा गांव उन्नति करेगा, इसके बहुत अच्छा लोगों में उत्साह है वोट डालने की। आप ये देख सकते हैं कि भीड़ उमड़ी हुई है, युवा में बहुत ज्यादा उत्सव है, बूढ़ों को भी उठा उठा के ले आके वोट डलवा रहे हैं और बड़ा जोश है और लोग बड़े खुश हैं कि नगर पालिका आई है और अच्छा विकास हो। देखिए यहाँ पर तो है विकास की कहीं ना कहीं डिमांड है और लोगों को कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग व्यक्ति है जिनकी हालात काफी गंभीर रहती है उनको भी वोट डालने के लिए लाया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सौभाग्य जो साली है जो क्षेत्रवासी है उनको कहीं ना कहीं विकास की डिमांड है, विकास जरूरी है क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पूरा भारत बसता है और अनेक राज्य के लोग यहाँ पर मजदूर और फैक्ट्री नजदीक है, फैक्ट्री नजदीक होने की वजह से विकास की डिमांड है और विकास की डिमांड जब होगी तो लोगों के अंदर एक खुशी दिखाई दे रही है क्योंकि खुशी इसलिए पहली बार नगर पालिका का चुनाव है उसको लेकर कहीं ना कहीं कोई चूक ना रह जाए, सभी आपने यहाँ पर दम खम लगाए हुए हैं क्योंकि आजाद उम्मीदवार भी हैं। बिल्कुल लाजपत, मैं आपके पास फिर से आऊंगी।